यहाँ अडाप्टर लगाएंगे और अदरवाइज अगर लोड करना है तो ये लोडिंग है। ये क्लासिक A4 है, ये हमने लास्ट टाइम भी दिखाई थी। ये ब्रेक डाला है क्लासिक A4। मोस्ट प्रीमियम एयर गन जो आती है वो FX कंपनी की आती है, बहुत ही महंगी महंगी अच्छी अच्छी। ये बरेटा की बीबी गन है, इसके बाद डायना 340 में है। इसको हम यहाँ से ऐसे कॉक करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है, सेफ्टी लॉक के साथ है। इस पे अगर हमने छर्रा मार दिया तो ये सारी वापस आ गई। तो भी गाइस दोबारा आ चुका हूं अमन एयरगन इंडिया। आज हम करने वाले हैं इंपोर्टेड राइफल्स का शूट, और आज की वीडियो में कुछ नई इंपोर्टेड राइफल्स आई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में अमन एयरगन इंडिया। तो चलते हैं अभी अंदर। तो अभी गाइस पहुंच चुका हूं शॉप के अंदर और मेरे सामने भाई इंपोर्टेड राइफल्स का कलेक्शन पूरा भैया ने लगा दिया है। तो ये रहे हमारे शॉप के ओनर लगन भैया, कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप सुनाए। काफी सारा देखो इंपोर्टेड राइफल्स का कलेक्शन भैया ने लगा दिया है। हमने आपको बोला था हम आपको नया नया मॉडल्स नए नए कलेक्शन दिखाते रहेंगे, तो वैसे ही आपके लिए नए नए कलेक्शन लेके आए हैं। आप देखिए और बताइए कौन से आपको अच्छे लगे हैं और वो हम आपको घर पे भिजवा भी सकते हैं, आपको जैसे चाहिए वैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। इस बार एक्सेसरीज भी मंगाई है, तो आप दिखाइए इनको एक्सेसरीज। चॉइस ये देखो, ये हमारी हैमरली की मेड इन जर्मनी है, ये आप देख सकते हैं बहुत लाइट वेट में है और ये 88 ग्राम CO2 सिलेंडर में है। इसमें भी सिलेंडर लगता है लेकिन बड़ा वाला सिलेंडर है, तो अलग से आएगा वो। इसका अलग से सिलेंडर आता है, वो बड़ा वाला 88 ग्राम का इतना बड़ा सिलेंडर होता है वो, इसका अंदर यहाँ पे वो 88 ग्राम का सिलेंडर लगता है पूरा, और ये कंसील्ड होता है, सामने वाले को कुछ भी दिखता नहीं है। तो ये भी सिलेंडर वाला है, यूज एंड थ्रो, यूज करा 100 शॉट चला देता है, उसके बाद उसको थ्रो कर दो, नया सिलेंडर लगा दो। उसके बाद ये भी कुछ हमारे बहुत अच्छे अच्छे मॉडल हैं, ये रिमिंगटन एक्सप्रेस के मॉडल है। प्लस पॉइंट क्या है कि इसकी जो FPS है फीट पर सेकंड, इसकी 1200 FPS है, 1200 तो पावर आपको बेमिसाल पावर मिलती है। ये सिमिलर हम देख सकते हैं, ये क्रॉसमैन की शॉक वेव है, इसमें शॉक वेव मतलब झटका तो लगता ही नहीं है, नाम से पता लग रहा है। उसके बाद बैरल जो है वो पूरी फ्लूटेड है भाई, सो क्या प्यारी, तो इसकी क्या प्यारी लुक है। और ये नाइट्रो पिस्टन में आती है और ये बिल्कुल शार्प डिजाइन में देख रहे हो, ये नाइट्रो पिस्टन में आती है और ये स्पेशली मेक इन इंडिया के लिए बनी है, ये देखिए। ऐसे ही बहुत सारे मॉडल्स और भी हम आपके लिए लेके आएंगे, लेके आए हैं। ये डायना की स्टॉर्म राइडर है, ये हमारी एक और डायना की मॉडल आ गई है ब्रेक बैरल, ये हमारी डायना की 350 पैंथर T06 है। तो इससे भी हमने लास्ट टाइम में देखी, इससे हमने कैन फोड़े थे, इससे भी हमने कैन फोड़े थे। तो इसमें भैया ने आगे स्कोप लगा दिया है, इसमें भी हमने स्कोप लगा दिया। अगली बार आपको स्कोप लगा के कुछ ना स्कोप से निशाना मारना भी सिखाएंगे, स्कोप से बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट्स बोले वाली कुछ नहीं आई है राइफल। ये इवानिक्स की स्नाइपर राइफल है, सब चीजें देख ली तो ये स्नाइपर है। ये टेलीस्कोप इसके साथ नहीं आता, हमने अलग से लगाया है। आप ये टेलीस्कोप देखिए एक बार, ये डायना का टेलीस्कोप है, इसके अंदर क्या नहीं है, लेजर लाइट भी है इसके अंदर, रेड डॉट टेलीस्कोप लेजर मतलब, और अंदर इल्यूजन लाइट्स सब कुछ है भैया। इसकी रेंज बता दो एक बार, स्नाइपर है तो कितनी रेंज है इसकी? इसकी रेंज भी बहुत अच्छी रेंज है, कंपनी तो कहती है अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 मीटर्स तक की रेंज होगी इसकी। इफेक्टिव रेंज जब हम फायर करेंगे तब देखेंगे, बट कंपनी जो कहती है वो मोर देन 100 मीटर्स की रेंज कहती है। और ये सब डिटैचेबल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो ये आप बटन दबा के इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये एक छोटी सी राइफल बन जाती है। अच्छा, तो आपको गाड़ी में कहीं कैरी वैरी करनी हो तो उसके लिए बहुत आसान है। अगर आपको सिर्फ एमिंग करनी है तो एमिंग के लिए इसकी थोड़ी सी लॉन्ग हो तो वो एम अच्छा बनता है आपका। और भैया ये जो है ये सिलेंडर है इसका, ये इसका कैप है, ये आपको प्रेशर गेज बताता है, और ये इसका सिलेंडर है। इसके अंदर हम PCP एयर राइफल इसको कहते हैं, जिसके अंदर ये सिलेंडर होते हैं और इसके अंदर हम कंप्रेस गैस भर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कंप्रेसर से या हम पंप से या स्कूबा टैंक किसी से भी भर सकते हैं। चलाना भी बहुत आसान है, इसको फिल करना भी बहुत आसान है। फिलिंग के लिए ये यहाँ अडाप्टर लगाएंगे और उसके बाद स्कूबा टैंक से इसको फिल कर देंगे, और अदरवाइज अगर लोड करना है तो ये लोडिंग है, ये साइड लोडिंग है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। ये लोड किया अभी तो भैया खाली है सारी, अभी सब खाली है जी। हम शॉप में, आपको पता है हमारा, हम कभी भी शॉप में पहले चाल के चला के आपको दिखाते नहीं है। ये क्लासिक A4 है, ये हमने लास्ट टाइम भी दिखाई थी, लेकिन हमने इसके ऊपर आपका रेड डॉट साइड लगा दी है, तो ये इसकी लुक और ही जबरदस्त हो गई है। और भाई मुझे आपको मैं बताऊं, जो स्कोप है ना, इसको जो गेम है BGMI उसमें ये 4X स्कोप होता है, 4X स्कोप। ये ब्रेक बैरल है क्लासिक A4, बहुत ही बेहतरीन है। इसके भी हमारे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए थे, लोगों ने बहुत पसंद करी थी। अगर आपको अभी भी पसंद है तो अभी हमारे स्टॉक में है मॉडल्स, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और स्कोप भी अलग से, स्कोप भी अलग से आता है, स्कोप भी हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आप जोन सा स्कोप चाहेंगे वो ले सकते हैं। ये FX की एयरगन है, FX का नाम लोगों ने सुना होगा। मोस्ट प्रीमियम एयरगन जो आती है वो FX कंपनी की आती है, बहुत ही महंगी महंगी अच्छी अच्छी एयर राइफल जो आती है वो FX कंपनी की आती है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है, इसकी पावर हम यहाँ से रेगुलेट कर सकते हैं, हमें कितनी पावर चाहिए उसको हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। उसके अलावा ये भी PCP एयर राइफल है, इसमें सिलेंडर दिया हुआ है, थोड़ा सा छोटा सिलेंडर है इसीलिए इसकी पावर एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा पावर चाहिए तो मैक्सिमम पावर में यूज कर सकते हैं। और ये साइड लोडिंग है, ये ऐसे करके साइड लोड होती है, और यहाँ पे हमारी इसकी मैगजीन डलती है, 14 शॉट्स की मैगजीन आती है वो चलती है।
ये आप देखिए, ये हम वन फिंगर से भी चला सकते हैं, वन हैंड से भी पकड़ सकते हैं। तो इसकी जो लुक है वो अपने आप में ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। इसका मॉडल है FX Maverick, ये भी हमारे पास अवेलेबल है, आपको जितने भी चाहिए उतने भी मिल जाएंगे। तो ये भी हम आपको बहुत ही बढ़िया प्राइस में दे देंगे। ये हमारी हेल्पो है, ये हमारी बरेटा की बीबीज गन है, ये बरेटा की बीबी गन है। हमारी डायना की स्काई हॉक है, ये हमारी हैमरली की है, ये फिर हमारे पास डायना की 350 मैग्नम वुडन में भी आ गई है जो पहले नहीं थी, उसके बाद ये डायना की कॉम्बो में है, कैमोफेज मॉडल में है, उसके बाद ये डायना 340 में है। अब उसके बाद एक ये वाला भी बहुत ही बढ़िया मॉडल आया, ये लोगों की बहुत डिमांड रहती थी कि हमें अंडर लीवर राइफल चाहिए। ये अंडर लीवर राइफल, इसको हम यहाँ से ऐसे कॉक करते हैं, ये बटन दबा के प्रेस करते हैं, रिलीज कर देते हैं। इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि जो हम बार बार लोड करते हैं तो ये मेन बैरल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ये अंडर लीवर होती है, नीचे वाली बैरल से लोड करते हैं और फायर। और इसकी प्रेशर भी बहुत अच्छा है, इसकी पावर भी बहुत अच्छी है। ये इसमें अगर आपने देखा हो तो यहाँ से निकला था, आपको प्रॉपर फील देता है, बहुत ही बेहतरीन है, सेफ्टी लॉक के साथ है, मेड इन जर्मनी है, वुडन स्टॉक है, स्टॉक की फिनिश देखिए, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक पीस चाहिए, जो चाहिए वो हम आपको देंगे, बहुत ही बेहतरीन प्राइस में देंगे। हम आपको कुछ एक्सेसरीज भी दिखाते हैं, ये डायना की एक्सेसरीज है, ये पैलेट कैचर बोलते हैं इनको, पैलेट कैचर आप देखिए, ये बहुत ही बेहतरीन है, ब्लू कलर में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अंदर सिल्वर एनिमल शेप्स बनी है, ये रियल एनिमल्स नहीं है, एनिमल शेप्स है, हम दूर से खड़े होकर अपना निशाना टेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये एनिमल है, अगर हमारा इस एनिमल पे लगता है तो ये पीछे जाके स्टक हो जाता है, इस एनिमल पे लगता है ये पीछे जाके स्टक हो जाएगा, इस पे लगेगा ये स्टक हो जाएगा, इस पे लगेगा स्टक हो जाएगा। अगर आप अपने दोबारा से रीलोड करना है तो हमें अपना निशाना बढ़िया करना है, हमें कहीं नहीं जाना, हमने पीछे से ये आप नीचे देखो के देखिए, इस पे अगर हमने छर्रा मार दिया तो ये सारी वापस आ गई, चार वापस आ जाएंगे। ये बहुत ज्यादा फन है, मतलब अगर हम एयर गन खरीद रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव इतनी बढ़िया एयर गन खरीद रहे हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं, हम ये फन कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी चीज खरीदी हो और उसके अगर आपने पूरे शौक पूरे कर लिए, अगर आपने उस चीज को पूरा एंजॉय किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और देखो गाइस, ये भी एक तरह की एक्सेसरीज है, तो भैया इसके बारे में बताओ। ये भी बहुत बढ़िया एक्सेसरीज है, ये भी सिमिलर है, ये ऐसे जाके स्टक हो जाती है, इसकी ये अंदर वायर दी हुई है, ये वायर अगर हम खींचते हैं जो इसमें पीछे से वायर अटैच्ड है, इसको हम खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसको नीचे रिलीज कर देगी। अगर आपके पास कोई छोटी जगह है या आपने कोई छोटा कैचर चाहिए तो ये भी है हमारे पास, ये गैमो का कैचर है, ये देखिए, इसमें हम टारगेट पेपर लगा सकते हैं, इसको नॉर्मल किसी भी दीवार पे ऐसे टांग सकते हैं, ताकि अगर आपने कोई प्रैक्टिस करनी हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये गैमो के हमारे पास टारगेट पेपर्स भी है, ये 100 टारगेट पेपर्स का पैक होता है। उसके बाद अगर आपने राइफल रखने के लिए कोई किट चाहिए, आपको रबड़ का मैट चाहिए, चाहे रियल हो चाहे कोई भी राइफल हो, तो उसका मैट्स भी है हमारे पास, ये स्मार्ट मैट बोलते हैं इनको, या गन क्लीन करने के लिए होता है वो भी हो सकते हैं। ये एक और हमारे पास कैचर है, कोन पैलेट ट्रैप बोलते हैं इसको, इसमें आप टारगेट पेपर लगा के और इसको बढ़िया से अपने किसी भी दीवार पे हैंग कर सकते हैं। तो हमारे पास आप देख रहे हैं टारगेट पेपर्स भी हैं, आपको जो चीज चाहिए एयर गन से और एयर गन की एक्सेसरी से रिलेटेड, तो हम आपको सारी प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो शोरूम है वो रमेश नगर में है, रमेश नगर रजौरी गार्डन के ऑपोजिट पड़ता है, ये रजौरी गार्डन की मावन मार्केट है, उसके जस्ट बैक साइड में है। हमारा शोरूम का नाम है अमन एयरगन इंडिया, हमारा एड्रेस है B84 शारदापुरी रमेश नगर न्यू दिल्ली 110015। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे नंबर्स प्लीज आप नोट कर लीजिए, क्योंकि सिमिलर मिलते जुलते नंबर से और भी नंबर्स हैं, उनपे भी कई बार आपसे बाय मिस्टेक कॉल हो गई होंगी तो और लोग भी परेशान होते हैं, वीडियो में भी आएगा और हम आपको बता भी रहे हैं। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है @AmanAirgun के नाम से, हमारी वेबसाइट है AmanAirgunIndia.com। अगर आपने ऑनलाइन परचेज करना है ऑनलाइन परचेज करिए, अगर आपने हमारे शोरूम में आके परचेज करना है शोरूम में आके परचेज करिए, हमसे प्रोडक्ट वीडियो कॉल पे देख के परचेज करना है परचेज करिए। जितनी इम्पोर्टेड एयर राइफल्स हैं इनकी कॉस्टिंग मिनिमम 35-40,000 से स्टार्ट होती है। प्लीज मेरे भाइयों, 1,000-2,000 वाली एयर गन्स नहीं है ये, इनकी कॉस्टिंग मिनिमम 35-40,000 से स्टार्ट होती है। तो आप जिनका बजट 35-40,000 से ऊपर है और ये सब बढ़िया बढ़िया बेहतरीन एयर राइफल्स लेना चाहते हैं तो प्लीज हमारे को कॉन्टैक्ट करिए, हमने आपको कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन नीचे भी लिखी हुई है और बता भी दी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, ऐसी हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। सो गाइस, मैंने आपको पूरा देखो जितनी भी यहाँ पे इंपोर्टेड राइफल्स थी, मेन जो राइफल्स थी उसके बारे में मैंने आपको भैया से पूरा एक्सप्लेन करवाया, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ये जो पूरी इंपोर्टेड राइफल्स है और भैया के जो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगता है वो भी मेरे को एक बार जरूर बताना कमेंट में, और मैं ऐसी और भी ज्यादा काफी सारी इंपोर्टेड राइफल्स की, इंपोर्टेड गन्स की और रियल गन्स की भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो ठीक है, टिल देन टेक केयर।